इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल। करनाल कलामपुरा गांव से आप देख सकते हैं, छोटा सा गांव जरूर है लेकिन एक बेटी ने जो है गांव का नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 11वें स्थान पर जो गवर्नमेंट कॉलेज हमारे करनाल का, उसमें जो है सेकेंड स्थान पर जो है ये आई है। मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं पूरे गांव में जो है खुशी की लहर जरूर दिख रही है। देख सकते हैं फूल मालाएं पहना के जो है सम्मानित किया जा रहा है। तमाम गांव के लोग यहां पे मौजूद है, बेटी के जो परिवार वाले हैं वो यहां पे मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम जो है गांव के मुखिया जी से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। तो बेटी के जो है पिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर कैसा लग रहा है, गुड़िया ने एक मुकाम हासिल किया छोटे से गांव से निकल के? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी गुड़िया ने मान लो पूरे गाँव में और करनाल जिले में अच्छा नंबर करके पास किया है, बड़ी खुशी है। तो हमने बहुत खुशी है, अपने गांव के साथ अम्मी जुल के अपना ये खुशी मनाई है। तो गांव वालों ने सम्मान किया, गांव वालों सम्मान किया और हम गांव वालों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जो है पढ़ाई हम में? तो ये कहते हैं भाई आगे भविष्य में कामयाब हो और पढ़े उस तय करते हैं हम बच्चों का, कोई आगे जीवन में कामयाब हो जाए। तो बिल्कुल हमारे साथ गाँव के मुखिया जी भी हम जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव की छोटी से लड़की है जिनने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में अपनी बेटी पलक को बहुत बहुत ही गांव की ओर से बधाइयां देता हूं कि बच्ची ने गांव का ही नहीं पूरे जिले में हमारे गांव का जो नाम रोशन किया है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और पूरा गाँव बहुत ही खुश है। तो मैं बच्ची को ये कहना चाहूंगा कि बेटा आप आगे बढ़े, हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ जो भी आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जैसे गाँव का कोई सहयोग है तो हम आपका अवश्य सहयोग करेंगे। तो मैं पहले भी देखता था कि बच्ची बहुत ही मतलब बोलने में चलने में यहाँ भी इसका अच्छा योगदान रहता है, तो गांव में भी कुछ प्रोग्राम होते हैं तो ये बढ़िया बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बेटे आप आगे बढ़ो, आपका गांव आपका परिवार आपका साथ देगा। दूसरा देखो इतने साधारण परिवार से है, साधारण परिवार से यदि ऐसा कर सकता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे को लगता है कि बहुत ही ऊंचाइयों को छुएगी अपनी बेटी। तो मैं बेटी को बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात रहेगी सर, हमारे हरियाणा में देखा जाता है कि ज्यादातर जो है गांव की लड़कियों को भाई स्कूल कॉलेज जाने से रोका जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन गांव से लड़कियां आजकल निकल के जो है बड़े मुकाम हासिल कर रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज में? मैं इसके प्रति तो ये कहूंगा कि ये वो जमाना चला गया जब बेटी घर पे होती थी, आज तो बेटी हर जगह पे देश का नाम रोशन कर रही है। हर कोई भी काम हो कोई भी फील्ड हो उसमें बेटी देश का नाम कर रही है। आज तो मोदी ने भी नया एक वो दिया है कि जो नारी शक्ति का या वंदना का जो भी दिया है, तो महिला का आरक्षण का, तो मोदी जी भी बहुत दे रहे हैं। और बेटियां तो हमारी वैसी ही बहुत कर रही है, इसी गांव की लड़की है, खेल में बहुत ही ऊंचे स्थान पर हरियाणा का नाम रोशन करती है। इसी गाँव की एक और बेटी है जो कि पीछे पढ़ाई में बहुत अच्छा नाम रोशन करके आई थी। तो अब बेटियों का वो समय तो चला गया कि बेटियां नहीं, अब तो बेटियां आगे बढ़ के भाइयों के साथ बराबर से काम करती है। तो बिल्कुल देख सकते हैं तमाम गांव के लोग यहां पे मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं और देख सकते हैं इधर जो है लड्डू खिलाकर जो है खुशी, जी हां खुशी जाहिर की जा रही है लड्डू खिलाकर। आप देख सकते हैं पिता द्वारा जो है अपनी बेटी को लड्डू खिलाया जा रहा है और सम्मान जो है ये पिता के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है कि किस तरीके से जो है लड़की ने जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और देख सकते हैं तमाम गांव के जो वासी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो सभी जो हैं लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए, और देख सकते हैं जो माता जी है वो भी अपनी बेटी को लड्डू खिलाती हुई जरूर नजर आ रही है और उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसा लग रहा है उनको। तो उनसे बातचीत करते हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे, बेटी ने मुकाम हासिल किया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। मैंने वैसे की बच्ची ऐसे ही काम करा अच्छी, तो आगे ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहेंगे बेटी को ताकि आगे और? हाँ जी ऐसे ही करते रहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है गांव में तमाम गांववासी जो है यहाँ पे मौजूद है और सभी जो है लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जो है बेटी का सम्मान भी यहाँ पे किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई और लड्डू खिलाकर जो है
खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पिताजी से बात करी, उनका भी यही कहना है कि हमारे लिए जो है एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारी बेटी जो है छोटे से गांव से निकल के, साधारण से परिवार से निकल के जो है इस तरीके के मुकाम हासिल करी है। और मुखिया जी का भी यही कहना है कि आज के दौर में जो है हमारी बेटियां जो है कम नहीं है, वो भी लड़कों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। साथ साथ मोदी जी का भी इन्होंने धन्यवाद किया कि किस तरीके से जो है महिला आरक्षण के लिए वो बिल जो है पास कर रहे थे। और देख सकते हैं तमाम गाँव के लोग यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं तमाम गांव के लोग जो है एक ट्रॉफी जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से जो है गांव का नाम ऐसे ही लगातार गांव के बच्चे जो है रोशन करते आ रहे हैं और ट्रॉफी देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। खुशी की लहर जो है सभी में इस टाइम जरूर दिख रही है। तो हमारी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है गाँव के बच्चे लगातार इस तरीके से निकल के बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोत्साहन जो है जरूर बच्चों को देना चाहिए। तो इस खबर को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।